बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 10-11 माह के अंदर पाकिस्तान रेलवे के अंदर 70 से ज़्यादा हादसात हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा तकरीबन सैकड़ों में लोग शहीद हुए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, जिनमें बेशुमार अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन बड़े अफसोस का कहना पड़ा कि मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर से लेके आम मिनिस्टर तक सब के सब सिर्फ बयानबाजी करना और ज़बानबाजी करना जानते हैं और इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। अफसोस के साथ कहना पड़ा कि शेख रशीद आया रोज़ अपोजिशन पर तनकीद करते हैं और उनके वाले से पेशगोइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी वजारत में उनकी कारकर्दगी जीरो है। लिहाजा खुदारा शेख रशीद साहब को होश के राहन लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनसे इस्तीफ़ा तलब करना चाहिए, जिस तरह वो माजी में हुक्मरानों से इस्तीफे तलब करते थे। और उनको चाहिए कि ज़बान बंद करके आवाम के लिए, मुल्क के लिए और रेलवे के लिए बेहतरी के लिए काम करें। खुदारा आवाम की बस होगी इससे पहले कि आवाम बाहर निकल के इन बेशरम हुक्मरानों को गर्बान से पकड़ के घसीटे, उससे पहले खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, अदारों पर रहम करें। और उसके अलावा कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ज़ातियात को मद्देनज़र रखते हुए अदारों को कभी इन्वाल्व ना करें या अदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं। खुदारा ये मेरी एक आम शहरी की हर सियासतदान से अपील है, वो नून से हो, पीपल पार्टी से हो या पीटीआई से हो। बहुत शुक्रिया।